हेलो दोस्तों, दिस इज़ गणपति राम और मैं आज आपके साथ शेयर करने चाहता हूँ वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये तो आप जानते ही होंगे, जिसे लिखा है रोबर्ट कियोसाकी ने, जो कि वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बुक है 20 साल से और ये नंबर वन पर्सनल फाइनेंस की बुक है ऑल टाइम। आज हम इसके साथ कुछ मेन मुख्य पॉइंट्स शेयर करना चाहेंगे, वो भी जल्दी जल्दी। ओके सो रिच डैड पुअर डैड में इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, जो कि अमीर लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो एसेट्स बनाते हैं और एसेट्स उनके पॉकेट में पैसे लाता है। द रिच वर्क टू क्रिएट पैसिव इनकम, जो अमीर लोग होते हैं वो पैसिव इनकम को क्रिएट करते हैं। ओके देन हमारा सेकेंड पॉइंट है फाइनेंशियल लिटरेसी इज द की टू फाइनेंशियल फ्रीडम। You can't see money with your mind, you must learn to it with your mind. It's mean वो financial freedom literacy लेते हैं, मतलब financial education पर अमीर लोग जोर देते हैं, rich people लोग, जो कि middle class नहीं दे पाते, इसीलिए वो suffer करते हैं financial freedom को हासिल करने में। हमारा 3 point है mind your own business, your money is your business. वो जितने भी अमीर लोग हैं वो business खोलते हैं, योर प्रोफेशन इज नॉट योर बिजनेस खोलते, ताकि उनके पास कैश फ्लो आते रहे। रिच डैड पुअर डैड में और सिखाया जाता है कि स्टडी द हिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ फोर कॉरपोरेशन, वो सीखते हैं बिजनेस के बारे में अमीर लोग, कैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड काम करता है, उनके टैक्सेस कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। देन हम आते हैं रिच इन्वेंट मनी, जो अमीर लोग हैं वो पैसे को इन्वेंट करते हैं, क्रिएट करते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं, वो अपनी कंपनी को स्टार्ट करते हैं, बाकी जो पुअर लोग हैं सिर्फ कंपनी में जाके जॉब करते हैं होते हैं, वो वर्क टू लर्न करते हैं, वर्क डोंट वर्क फॉर मनी, वो काम को सीखने के लिए काम करते हैं, जैसे कि हमारे रोबोट्स कियोसाकी ने किया था, जो वर्क फॉर मनी, बाकी जो पुअर लेबर लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं। दिस इज द मेक देयर कंडीशन मिजरेबल टू मनी वर्क्स एंड टू मेक मनी वर्क फॉर यू, और अमीरों के लिए पैसा उनके लिए काम करता है, जैसे वो एसेट क्रिएट करते, एसेट से वो बहुत सारे उनके पॉकेट में पैसे आते, दे बिकम मोर एंड मोर रिच। वो अच्छे लिसनर होते हैं, बोलते नहीं है, वो सुनते हैं और वो अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, हम पैसे के लिए काम पे जाते हैं, वो लग्जरी को बाद में लेते हैं अमीर लोग, जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, बाइक, कार, ये सारी लग्जरी चीज़ें वो बाद में लेते हैं, पहले वो एसेट्स को क्रिएट करते हैं और वो अपने एक्सपेंसेस को, मतलब अपने खर्चे को कम से कम रखते हैं, लाइबिलिटीज़ को कम रखते हैं, वो सोचते हैं कि उनके वैल्यूबल एसेट्स बढ़ते जाए और वो अपने जो भी वो पैसे कमाते हैं अपने बिजनेस से और अपने इन्वेस्टमेंट से, उसे वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनके पैसे ग्रो हो, बाकी मिडिल क्लास या पुअर लोग ये नहीं कर पाते। अपने से स्मार्ट लोगों के साथ रहते, लाइक बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, सक्सेसफुल लोग, अगर आप भी उनके साथ रहोगे तो यू ऑटोमेटिकली गेट सक्सेस और गेट नॉलेज, जो कि रोबोट कियोसाकी कहते हैं। और वो बिलो योर मीन्स रहते हैं, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं करते, जो कि इस बुक इट पुअर डैड में सिखाते हैं। को ये पता होता है कि कॉर्पोरेट टैक्स को कैसे करें, अपने टैक्स को मैनेज कैसे करें, और वो बार बार बुक्स पढ़ते हैं, जितने भी रिच लोग होते हैं वो बुक्स पढ़ते हैं, वो बड़ा सोचते हैं, ड्रीम बिग, और अपने गोल को लेते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं ताकि अपने गोल को ये हम रिच डैड पुअर डैड की समरी, जो कि बेस्ट सेलर बुक है, रोबोट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है, अभी भी इसको 20 साल से ये नंबर वन पर्सन फाइनेंस बुक है। ओके दिस इज़ मी गणपति राम, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।